गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बेटा आज हम बार ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे. सबसे पहले तो जो बार ग्राफ है उसे हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं. ग्राफ पेपर पे हमारे पास टू टाइप्स की लाइंस होती हैं, एक तो लाइट कलर में होती है, एक डार्क कलर में. जो बार ग्राफ है उसे हम डार्क कलर वाली लाइन पर ही ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले इसमें टू एक्सिस होती हैं, एक तो वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस को जो होती है वो वर्टिकल लाइन को बोलते हैं और जो एक्स एक्सिस होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं. तो बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, आपके पास जैसे मान लो डाटा है कंपनी ए है जो 40 है और कंपनी बी है जो वो 32 मोबाइल फ़ोन सेल करती है. जो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, कंपनी ए 40 मोबाइल फ़ोन सेल करती है, कंपनी बी 32 करती है, जो कंपनी सी है वो 56 करती है और कंपनी डी 72, कंपनी ई 96. इसके बाद आपकी बुक में ना एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है, 8 सेट इज इक्वल टू 1 यूनिट. जैसे कि हमने पिक्टोग्राफ में पढ़ा था कि एक ट्री है जो वो 12 ट्रीज के इक्वल है. इसमें वो कहता है कि जो एक आप बार ग्राफ का नोटेशन बनाओगे उसे आपने 8 सेट मानना है. ठीक है, मतलब कि एक मोबाइल फ़ोन 8 सेट मोबाइल फ़ोन के इक्वल है. तो इसके बाद आपने ड्रॉ कैसे करना है. सबसे पहले आपके पास कितनी कंपनीज हैं, ए बी सी डी और ई, 5 कंपनीज हैं. यहाँ पे आप 5 कंपनीज बनाओगे, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, कंपनी डी और कंपनी ई. ये आपने क्या करना है, एक एक छोड़ के बनाना है. जैसे कि जैसे यहाँ पे मैंने आपने सभी ने डार्क लाइन पे ऊपर पॉइंट्स लगाए, कंपनी ए बी सी डी ई, एक एक छोड़ के बनाना है. फिर उसके बाद जो आपकी वर्टिकल लाइन है उसके ऊपर आपने क्या करना है, जो आपको 8 सेट दिया था, इट मीन्स 8 का टेबल लिखोगे, 8 16 24 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80. तो आप सभी को तो यहाँ तक की टेबल आपने लर्न किया होगा, लेकिन इसके बाद आपके पास जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो कितनी थी, 96. इसका मतलब आपने इसके आगे भी लिखना है, 8 11 88 8 12 96. तो आपकी जो हाईएस्ट वैल्यू है वो भी आ गई इस टेबल में और जो लोएस्ट वैल्यू है वो भी आ गई इसमें. तो हमने ड्रॉ कैसे करना है, सबसे पहले कंपनी ए, उसकी वैल्यू कितनी है, 40. तो 40 के सामने देखो, यहाँ पे आ गया 40, तो इसके सामने बिल्कुल ये आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ स्केल. स्केल के साथ ये आपने ड्रॉ करना है, ऐसे ब्लॉक बनाना है. ठीक है, फिर उसके बाद जो कंपनी बी है वो 32 है, 32 के सामने एक ब्लॉक छोड़कर बनाना है बार ग्राफ आपने. तो नेक्स्ट आपका 32 ड्रॉ हो गया. उसके बाद क्या है, 56 कहाँ पे है, सी वाला, यहाँ पे 56 को मैंने ड्रॉ किया. उसके बाद है जो 72 कहाँ पे है, यहाँ पे. ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने ड्रॉ करनी है. उसके बाद है 96 तो बिल्कुल हाईएस्ट पावर पे है, ये देखो, ये सभी आपने क्या करना है, ड्रॉ. उसके बाद इसके नीचे आपने क्या लिखा था, कंपनी नेम. इस लाइन, ये आपकी एक्स एक्सिस थी, वो आपको क्या शो कर रही है, कंपनी नेम. ठीक है, और ये आपने क्या शो करना है, ये क्या शो कर रहा है आपका, क्वांटिटी ऑफ मोबाइल. ठीक है, ओके. तो इसी तरह से आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है. तो नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना है सिमिलर. जैसे जैसे मैंने आपको बताया, आप सभी ने बार ग्राफ नीट एंड क्लीन विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल. ये किसी भी बच्चे ने पेन के साथ ड्रॉ नहीं करना है, पेंसिल के साथ ड्रॉ करना है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.